हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल PNBVC पर। आज का हमारा प्रश्न है, PNBCSP कैसे मिलती है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि आपको PNBCSP कैसे मिलेगी, या फिर कह लीजिए किसी भी बैंक का CSP लेना हो, जैसे कि SBI हो गया, UBI हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया, PNB हो गया। आपको किसी भी बैंक का CSP लेना है तो शुरू के दिनों में आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे CSP मिलेगी, आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। यदि आप एक CSP लेना चाहते हैं, नए CSP लेने की सोच रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, PNBCSP लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने नियरेस्ट PNB ब्रांच पे विजिट करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको जाके ब्रांच मैनेजर सर से मिलना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि सर, हमको इस लोकेशन पे PNBCSP लेना है। जो लोकेशन आप बताएंगे उस लोकेशन को BM सर एक बार विजिट करके देखते हैं। अगर उनको लोकेशन पसंद आती है, एरिया सही है, कस्टमर वहाँ पे आसानी से आ जाएंगे, कस्टमर बहुत हैं उधर, तो यदि लोकेशन उनको पसंद आती है तो उस लोकेशन को वो सर्किल ऑफिस पे भेज देते हैं अप्रूवल के लिए। और यदि एक बार सर्किल ऑफिस से अप्रूवल मिल जाता है तो CSP ले दी जाती है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो आप लोकेशन बता रहे हैं या जिस लोकेशन पे CSP लेना चाहते हैं, उस लोकेशन के आसपास कम से कम 2 किलोमीटर या 2 से 5 किलोमीटर कह लीजिए, इतने पास में कोई PNB का CSP नहीं होना चाहिए। अदर बैंक का हो बट PNB का नहीं होना चाहिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। और जो आप CSP लेने की सोच रहे हैं, वो CSP आपके मेन ब्रांच से, यानी जिस ब्रांच से आप लेना चाहते हैं, उस ब्रांच से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको CSP मिलेगी। तो जैसे ही BM सर लोकेशन भेजते हैं सर्किल ऑफिस पे और वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है उस लोकेशन का, उसके बाद आपको एक थर्ड पर्सन अपॉइंट किया जाता है, जो कि कंपनियाँ होती हैं, कंपनी का एक आदमी होता है जिस कंपनी से आपको CSP दी जाएगी। उन्हीं का एक आदमी होता है जो आपको CSP दिलाने में मदद करेगा और आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन में उसी के थ्रू किया जाएगा। तो गाइस, आप समझ पा रहे हैं, अगर आपको किसी भी बैंक का CSP लेना है, किसी भी बैंक का, हम बता रहे हैं आपको, सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट ब्रांच पर जाना है, वहाँ पर जाके BM सर से बात करना है, उनसे बताना है कि हमें इस लोकेशन पर चाहिए। वो उस लोकेशन पर विजिट करेंगे, उसके बाद उस लोकेशन को वो सर्किल ऑफिस पर भेजेंगे, वहाँ से अप्रूवल मिलेगा, जब जाके आपको CFC मिलेगा। और दूसरा कोई तरीका नहीं है कि आप किसी थर्ड पर्सन से मिल लीजिए, ऐसे वैसे तो आपके साथ स्कैम हो सकता है और पैसा भी आप पर ज़्यादा लग सकता है। फर्स्ट ऑफ आपको जाना पड़ेगा ब्रांच में, विजिट करिए, वहाँ पे सर से रिक्वेस्ट करिए कि सर, हमें इस लोकेशन पे PNBVC चाहिए, या फिर किसी भी बैंक का VC चाहिए इस लोकेशन पे, तो उसी ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, तो इस तरीके से हमें अपनी VC मिली थी। हम भी पहले ब्रांच पे ही गए थे, वहाँ पे सर से बात किया कि सर, हमें इस लोकेशन पर चाहिए, यहाँ पे कोई VC है नहीं आसपास में। तो हमारा लोकेशन एक बार जब अप्रूव हो गया था तो सर ने हमें बुलाया और बताया कि आपको ये डॉक्यूमेंट बना के रेडी रखिए। तो हमने वो डॉक्यूमेंट बनाया और देन उसके बाद एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, इंटरव्यू वगैरह हुआ, उसके बाद हमको VC मिल गया था। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अगर एक बार लोकेशन आपकी अप्रूव हो जाती है, उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, तो उसके बारे में ही अगली वीडियो आपको मिलेगी। आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अरेंज करने हैं, किस प्रकार से बनवाने हैं, उस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं और जाते जाते एक शायरी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर बदलना सीखो, कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और यदि चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप उसे जुड़ सकते हैं और अपनी परेशानियों को डायरेक्ट टू डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।